डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, नमस्कार। वेलकम टू इंडिया। फ्रेंड्स, आप सभी बिजनेस लीडर्स एक ऐसे समय में भारत आए हैं जब हमारे पूरे देश में सेलिब्रेशन का माहौल है। भारत में हर साल आने वाला लंबा फेस्टिवल सीजन एक तरह से प्रीपोन हो गया है। ये फेस्टिव सीजन ऐसा होता है जब हमारी सोसाइटी भी सेलिब्रेट करती है और हमारा बिजनेस भी सेलिब्रेट करता है, और इस बार ये 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। और ये सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। भारत के लूनर मिशन की सफलता में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। चंद्रयान में यूज किए गए अनेक कंपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे एमएसएमईज ने उसको आवश्यकता के अनुसार तैयार कर समय सीमा पर उपलब्ध कराए हैं। यानी ये साइंस और इंडस्ट्री दोनों की सफलता है। और इम्पोर्टेंट ये भी है, इस बार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है। ये सेलिब्रेशन एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस प्रोग्राम चलाने का है। ये सेलिब्रेशन देश के विकास को एक्सेलरेट करने का है। ये सेलिब्रेशन इनोवेशन का है। ये सेलिब्रेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी और इक्वेलिटी लाने का है। और यही तो इस G20 समिट की थीम है, रेज। इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलरेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वेलिटी, एंड इट इज अबाउट ह्यूमैनिटी। इट इज अबाउट वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फ्रेंड्स, वैसे तो G20 के थीम रेज में आई है, आई इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं इसमें इनोवेशन के साथ ही एक और आई को भी देखता हूं, और ये आई है इंक्लूसिवनेस। हमने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की स्थायी सदस्यता के लिए इस विजन के साथ इनवाइट किया। G20 में भी अफ्रीका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक फोकस एरिया रखा गया है। भारत का मानना है कि ये फोरम अपनी अप्रोच में जितना इंक्लूसिव होगा
उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने, ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने और यहां लिए गए फैसलों के इम्प्लीमेंटेशन में हमें उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, कहते हैं कोई भी आपदा आती है, बड़ा संकट आता है, तो वो हमें कुछ न कुछ सबक देकर जाता है, सिखाकर जाता है। 2-3 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, 100 साल में आए सबसे बड़े संकट से गुजरे हैं। इस संकट ने दुनिया के हर देश को, हर समाज को, हर बिजनेस हाउस को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को एक सबक दिया है। सबक ये कि हमें अब जिस चीज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो है आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। कोरोना ने दुनिया में इस आपसी विश्वास को तहस नहस कर दिया है और अविश्वास के इस माहौल में जो देश पूरी संवेदनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ विश्वास का झंडा लेकर आपके सामने खड़ा है वो है भारत। सौ साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी वो है विश्वास, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। जब कोरोना के समय दुनिया को जरूरत थी तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाते भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई। जब दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत थी तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज भारत के एक्शन में दिखती है, भारत के रिस्पांस में दिखती है। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज देश के 50 से ज्यादा शहरों में हुई G20 की बैठकों में दिखाई देती है और इसलिए भारत के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। यू ऑल नो बिजनेस कैन ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू प्रॉस्पेरिटी, ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, एस्पिरेशंस इनटू अचीवमेंट्स। वेदर दे आर स्मॉल और बिग, ग्लोबल और लोकल,
business can ensure progress for everyone. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.